अस्सलामु अलैकुम। डेट 20 जून 2020, क्लास 2, सब्जेक्ट ओरल नाजरा। आइए अपने सबक का आगाज़ तावुस अस्मिया की तलावत और दुआ से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अम्री واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم آمين। बेटा आपके जो निसाब है उसमें ये चीज़ शामिल है, आसान नमाज कायदे के साथ 40 मसनून दुआएं और 40 अहादीस, अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अंदर आपकी नमाज भी है मुकम्मल, कुछ सूरतें भी हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ तरीक़े हैं, सजदा सहब वग़ैरह सब कुछ। तो हम आज पढ़ेंगे हदीस नंबर 21। ये हमारी इस आसान नमाज के पेज नंबर 69 में मौजूद है। ठीक है बेटा, आइए अब इसको पढ़ते हैं। पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 21। क़ौलन्नबिय्यू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा हदीस से पहले ये ज़रूर बोलें, अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो मैं आपकी हदीस को पास नहीं करूँगी। आपकी हदीस जब ही ठीक होगी जब आप ये पढ़ेंगे शुरू में, लाजमी इसे पढ़ना है। आपकी जब मार्किंग होगी तो मार्किंग में आपको हाफ नंबर फिर मिलेंगे। ये बात आपको मैंने 1 क्लास में भी समझाई थी। हदीस नंबर 1, कोई सी भी हदीस सुनाएं, 1, 2, 3। हदीस नंबर 21 अब आप पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, हदीस सुनाने से पहले? क़ौलन्नबिय्यू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मुर्रजुली। फिर पढ़िए अम्मुर्रजुली स्किन्बु अबी। फिर पढ़िए अम्मुर्रजुली स्किन्बु अबी। इसके मायने हैं आदमी का चचा उसके बाप की मानिंद है, उसके बाप की मानिंद है, यानी कि बाप जैसा है। फिर पढ़िए हदीस नंबर 21। क़ौलन्नबिय्यू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मुर्रजुली स्किन्बु अबी। तर्जुमा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आदमी का चचा उसके बाप की मानिंद है, आदमी का चचा उसके बाप की मानिंद है। बेटा आपने ये हदीस पक्की याद करनी है, हदीस नंबर 21 मैंने आपको बता दिया है कि आपके पेज नंबर 69 में मौजूद है। ये फिर देखती हूँ, हाँ जी 69 पेज नंबर पे मौजूद है, ये फर्स्ट पे हदीस है। देखें ये आपने याद करनी है, ठीक है बेटा। और ये जो पिछली हदीसें हैं, हदीस नंबर 1 आपको मैंने लास्ट टाइम याद कराई थी 1 क्लास में, 1 फिर हमने 3 याद की थी, ठीक है, फिर 4, 5, ठीक है ना, यहाँ तक कम से कम आप इसको रिवीजन रखिएगा। फिर हमारी 25 हदीस थी, हदीस नंबर 25, वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है, रिवीजन में रखिएगा सारी हदीसें और आगे अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।